मौसी जी, गौन कहाँ है? अरे पिकू चैन, तुम गौन के साथ खेलने आई हो? ये तुम्हारे हाथ में कैसा झाड़ू है? ये कचरा साफ करने का झाड़ू नहीं, मछलियाँ पकड़ने का कांटा है। क्या हुआ अम्मा? देखो गौन, पिको चैन तुमसे मिलने आई है बेटा। देखो मेरे पास ये मछली पकड़ने का कांटा है, क्या तुम मेरे साथ मछली पकड़ने चलोगे? चलूंगा नहीं बल्कि दौड़ूंगा, चलो जल्दी चलो। ये समंदर आज कोई और शिफ्ट तो नहीं हो गया ना? बस आने ही वाला है। अरे वाह, पकड़ ली, मेरे कांटे में मछली अपने आप खींच चली आती है। हाँ हाँ, सच में तुम्हारा जवाब नहीं। मैंने फिर से मछली पकड़ ली, आज मेरी किस्मत में मछली आई मछलियाँ हैं। क्या बात है, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने एक और मछली पकड़ ली, देखा मैंने कितनी सारी मछलियाँ पकड़ ली, लेकिन तुमने तो अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। असल में मैं सीधी बड़ी मछली पकड़ कर छक्का मारूंगा। देखो देखो, मैंने एक और मछली पकड़ ली। क्या बात है, मेरा तो जवाब नहीं। मैं एक भी मछली पकड़ नहीं पाया। अगर मैं समंदर में चला जाऊँ तो मैं भी आराम से मछली पकड़ लूंगा। तो चैन, चलो मेरी मदद करो। ये पेड़ हमारे काम के लिए सही है। तो चैन, जरा अपने तगड़े हाथ का कमाल दिखाओ। चलो कमाल। हाँ, यहाँ मछली जरूर मिलेगी। देखा, मैंने भी मछली पकड़ ली। तो चैन, क्या बात है पिको, देखो मैंने भी मछली पकड़ ली, मेरा भी खाता खुल गया। तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो पहले से ही बहुत मछलियाँ हैं। मैंने फिर से मछली पकड़ ली, अब इस बार मैं बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करूंगा। पकड़ ली, मैंने एक और मछली पकड़ ली। क्या बात है, लेकिन ये सारी मछलियाँ तो बहुत छोटी है, मुझे अंदर जाकर बड़ी मछली पकड़नी पड़ेगी। तो चैन, जब तुम्हें झटका लगे तो मुझे ऊपर खींच लेना। यहाँ तो कोई बड़ी मछली नहीं दिखाई दे रही। ये कौन सी मछली मेरे मुंह पर कुल्ला करके चली गई? वो रही। मैं देख लूंगा। तोते चैन, सो क्या रहे हो, आंखें खोलो। तोते चैन, दिखा दो अपना कमाल। अभी देखो कमाल। हुर्रे, हमने बड़ी मछली को चित कर दिया। मजा आ गया, अप्पा इसे देखकर बहुत खुश होंगे। Oh
एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन। ओहो, आज तो बहुत ही हाई वोल्टेज गर्मी है। मैं आ गया। तुम्हारी हवा क्यों निकल गई गॉन? हमने किसी तरह शाख तो पकड़ ली, लेकिन अब वो दो पहियों के बीच में सी कबाब की तरह फंस गई है। बस, तुम्हारी अकल भी तुम्हारी साइज की तरह छोटी है। अप्पा के होते हुए क्या टेंशन है तुम्हें? अब कौन सा तीर मारेंगे? इस शार की चोंच से हम और बड़ी मछली पकड़ सकेंगे। ये अब हमारे लिए कांटे का काम करेगी। तो चलो बड़ी मछली पकड़ने चलते हैं। अप्पा, क्यों ना हम इसी मछली से काम चला ले। हम बहुत गहरे समंदर में आ गए हैं, बड़ी मछली कहीं नजर नहीं आ रही है। काश तुम भी अपने एक्स्ट्रा समझदार अप्पा की तरह बड़ा सोच पाते। वो देखो, वो रही। कहाँ है? मुझे तो गई दिखाई नहीं दे रही। ये ले। अप्पा, आपने सच में देखी थी? हाँ, मैंने अपनी पर्सनल आँखों से देखी थी। मुझे तो लगता है अप्पा, वो आपका वहम था। अरे कहाँ ले जा रही, खींच के? अप्पा, ये मच्छी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी निकली। चुप रहने का क्या लोगे? अप्पा को कसकर पकड़ो। अभी पकड़ता हूँ। क्या कर रहे हो? बचाओ, बचाओ। पता नहीं इन्होंने मछली पकड़ी या मछली ने इन्हें पकड़ा है। का राजकुमार। अरे वाह, चमकता तारा। तोतीचेन, तुम्हें कुछ आइडिया है कि वो तारा इतने फुल स्पीड में कहाँ गया होगा? मुझे नहीं पता। तोतीचेन, चलो जाकर देखते हैं कि वो तारा कहाँ गिरा है। गॉन, तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मा, हम आसमान में तारों को देखने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने खाना बना लिया है, इसलिए अंधेरा होने से पहले जल्दी वापस आ जाना। ठीक है। वो तारों को देखने गया है, लेकिन जब तक अंधेरा नहीं होगा तो वो तारों को कैसे देखेगा? खुले में तारों को देखने से वो कितने चमकीले दिखाई देते हैं। वो ध्रुव तारा है जो सबसे ज्यादा चमकता है। ऐसी बात है। उसके थोड़ा सा नीचे वो जो चमक रहा है ना, उसे मामत तारा कहते हैं। और वो जो बगल में चमक रहा है ना, उसे पंची तारा कहते हैं। हाँ, ये शेर तारा अचानक कहाँ से पैदा हो गया? भागो, 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 भागो। वो पास आता जा रहा है। हाँ?
हमें बचा लिया। मैं गौन हूँ और ये तोते चैन है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम कौन हो? मैं तारों का राजकुमार हूँ। तुम तारों के राजकुमार हो? ये आवाज तो जानी पहचानी है। ये यहाँ भी आ गया। भागो! मैं तो बहुत थक गया। अपने दिमाग से सोचो तोते चैन, अभी के अभी तारा तोड़ दो। क्या बात है? तोते चैन यहाँ से भी तोड़ दो। अभी तोड़ता हूँ। बहुत खूब तोते चैन। तोते चैन, अब तुम भी खुद को तारे से अलग कर लो। अभी करता हूँ। शेर के बच्चे, अब तुम ऐसे ही हवा में लटके रहो। कौन है? ये तारों का राजकुमार है और इसी ने मुझे बचाया है। क्या कह रहे हो, तारों का राजकुमार? लेकिन अब तो तारा टूट गया। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे जोड़ दूंगा। गौन, जल्दी से पकड़ो तो इसे। ठीक है। ये जुड़ गया। ये हो गया। लो, तुम्हारे तारे की मरहम पट्टी हो गई। आपका जवाब नहीं अप्पा। सच में? अब तुम आराम से घर जा सकते हो। जल्दी आओ, खाना तैयार है। तुम भी हमारे साथ खाना खाओ ना। हाँ ठीक है, हम इसे ले चले ना अप्पा। चलो चलते हैं। मजेदार खाने की वजह से पेट के चूहे पंगड़ा कर रहे हैं। आज मैंने खाना एक खास तरह के मसाले से बनाया है। तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। पेट भर के खाओ तोते चैन, हमारे नन्हे मेहमान को फल तो खिलाओ। ले लो, फल खाओ। आराम से खाओ, इतनी क्या जल्दी है? खाना कहीं भागे थोड़ी जा रहा है। जल्दी जल्दी खाओगे तो पेट नाराज हो जाएगा। तुम्हारी माँ सच में बहुत अच्छी है। वो तो है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी अम्मा भी बहुत अच्छी होंगी। अब मुझे चलना चाहिए। अचानक क्या हुआ? तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे देर हो रही है। तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। दोबारा जरूर आना। हाँ ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। टोटो। ओह, तो अब मैं समझा। क्या समझे? चमकता तारा इतनी फुल स्पीड में क्यों जाता है? उसकी अम्मा कहती होगी अंधेरा होने से पहले घर जल्दी आ जाना। और मम्मी यही कहती है। हाँ।